मेंशन था महायुति के विधायक नितेश रानी के ऊपर कल मुंद्रा पुलिस स्टेशन में भड़काऊ भाषण मस्जिदों में घुसकर मारने की बातों को लेकर FIR दर्ज हुई थी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? क्या है कि हम लोग इस देश के लोग हैं, हम लोग शांति से जीवन जीना चाहते हैं। मैं सभी धर्मों के, सभी जाति के, पंथों के सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी किसी धर्म का अपमान न करे, कोई भी कोई किसी धर्म के प्रति गलत बयान पेश न करे और हो सके उतना इस देश में शांततापूर्ण, जैसे कि शांति से इस देश में हर नागरिक को जीने का जो अधिकार है उस अधिकार को वो कायम रखे। क्योंकि हर बार में देखा है, मैंने देखा है कि अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए या अपनी राजनीति चलाने के लिए हर जो पार्टी है, हर जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते कि जिसकी वजह से उम्रा क्या हर पूरे देश भर में अशांतता का माहौल हो जाता है और उसमें हमारे जो सर्वसामान्य जनता है, नागरिक है, उनका एक अलग उनकी भावना हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हर जो इस देश का जो नागरिक है, हर इस देश का जो नेता है, उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी आप किसी भी धर्म के बारे में मत बोलिए, कोई भी जाति धर्म को नीचा दिखाने का या उसे कोई तुमको हासिल करने का है तो तुम हमारा जो एक इंटेंशन रहता है, एक सामाजिक जो एक राजनेता रहता है उसका एक इंटेंशन रहता है कि जो समाज का काम करके, सामाजिक काम करके वो वोट बटोरने का काम करे, ना कि बल्कि सिर्फ जातिवाद करके वोट बटोरने का काम करे। ये जो नीतीश रानी के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है वो उनका कर्म है, वो जो 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 जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, ऊपर वाला वैसा उसको फल देगा। मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो मुंद्रा में जो शांति है, खास करके हमारे मुंद्रा में जो शांति बनी रहे और शांति हमेशा रहे, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।